बल्लभगढ़ के सेक्टर 24 में बना पुलिस थाना आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पुलिस कर्मचारियों के द्वारा यहां साफ सफाई व पौधारोपण विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सेक्टर 24 के इस थाने में घुसते ही आपके मन में थाने को लेकर आने वाला विचार बदल जाएगा। जब भी आप थाने में जाने की सोचते हैं तो आप ही मन में विचार आता है कि सिर्फ एक इमारत आपको मिलेगी, लेकिन सेक्टर 24 के स्थानों को देखने के बाद आप एक अच्छे पार्क को भी भूल जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यहां पर वेस्टेज का प्रयोग करके दोनों के लिए गमले और दूसरा सामान बनाया गया है। स्थान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर पौधा रूप में ही क्या क्या हो, फूल वाले पौधों के साथ साथ छाया वाले पौधों को लगाया गया है और थाने का हर कोना साफ सफाई और पौधारोपण से हुआ है। सेक्टर थाना प्रभारी ने बताया कि पौधारोपण आज के समय में बेहद जरूरी है। पौधों के लगने से थाने की सजावट तो अलग हो ही रही है, साथ ही पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है। सभी पुलिसकर्मियों ने यहां पर पौधे लगाए हैं और सब उनका मिलकर ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि इससे थाने में आने वाले लोगों के माइंड को भी शांति मिलती है और काम करने वाले कर्मचारियों को भी शांति का एहसास होता है। थाने में आने वाले लोग पेड़ पौधों को देखकर बेहद खुश होते हैं। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ पुलिस अधिकारी ने पूरे थाना को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जहां क्राइम को दूर कर रही है, वहीं पर्यावरण का भी विशेष तौर से ध्यान रख रही है। क्या नाम है सर? मैं इंस्पेक्टर संदीप हूं और बतौर सच्चो मुझे सर थाना में तैनात हूं। सर, यहां पर जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है, आमतौर पर इस तरह के नज़ारे या माहौल चौकी के अंदर नज़र नहीं आते, थानों में नहीं दिखते, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमने एक पॉजिटिविटी माहौल क्रिएट करने के लिए यहां चारों तरफ फूल और छायादार पेड़ लगाए हैं। ये सभी मुलाजिमों ने अपने मेहनत से इस माहौल को बेहतर बनाने के लिए किया, ताकि पब्लिक जो पीड़ित आते हैं उनको एक अच्छा माहौल दे सकें, पब्लिक को, और पॉजिटिविटी में एक माहौल में काम कर सकें। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वेस्ट मटेरियल का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है पौधों को लगाने के लिए। देखिए, जो वेस्ट टायर थे उनमें हमने काट के उनको पेंट करके, ताकि एक उसमें पौधे लगाए हैं फूल वाले, काफ़ी ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मित्र कक्ष भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो क्या है ये इसकी इस सोच की? मित्र कक्ष के सरकार का एक प्रोजेक्ट है, इसमें पब्लिक को एक ही छत के नीचे पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन और अन्य सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकें, इसके लिए मित्र कक्ष का निर्माण किया गया है। अगर कर्मचारियों के स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की हुई है? देखिए, पुलिस का जो काम है वो बेहद तनावपूर्ण काम है। पुलिस लगातार ड्यूटी पर रहती है और हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन का, अगर उस दिन भी अगर कोई काम हो जाता है तो वो भी रेस्ट नहीं मिल पाता। तो इसके लिए हम शाम को जब भी समय मिलता है तो मैंने एक बैडमिंटन कोर्ट का यहाँ व्यवस्था की है, पीछे एक वॉलीबॉल कोर्ट भी, ताकि वो तनाव मुक्त पुलिसकर्मी रह सकें और अच्छा काम कर सकें, ताकि पब्लिक की सेवा और बेहतर ढंग से हम कर सकें।